कोठी की तरफ, जहाँ पे अब मायावती जब आती हैं, कभी भी आती हैं, हालांकि अब काफी साल हो गए हैं, तो यहाँ जो गुम्मद दिखा रहे हैं, मैं आपके कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ी आगे चल के दिखा दे कि जो गुम्मद है ये पूरी कोठी है उनकी, ये अपनी निजी कोठी है जिसमें मायावती नहीं रहती, केयर टेकर बताया जाए, केयर टेकर जो है वो रहते हैं। और अब दूसरी तरफ ही दिखा दूं, जहाँ पे कोठी खत्म होती दीवार है, इसके दूसरी तरफ जो है अंबेडकर पार्क है, जो कि लगभग 85 से 90 बीघे में बना हुआ है। दोनों पार्क का जो निर्माण था मायावती ने अपनी सरकार के दौरान किया था। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। इस मौके पर पूरे यूपी में जगह जगह उनके समर्थक और कार्यकर्ता जन्मदिन बड़े उत्साह से मनाते हैं। मायावती अपने जन्मदिन पर खास ऐलान भी करते नजर आती रही है। ऐसे में इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में मायावती गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगी या अकेले, इस बात पर सबकी नजर है। साथ ही साथ ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाली 15 तारीख को ही मायावती इसका ऐलान कर सकती हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जब हमने मायावती के पैतृक गाँव बादलपुर गौतम बुद्ध नगर के लोगों से बात करनी चाहिए तो वो ये कहते नजर आए, मायावती कहीं भी चुप भले ही रहे लेकिन वो जीत कर रहेगी, वोट उसे ही मिलेंगी हमारी। लगभग कितनी सीट आपको लगता है कितनी निकालेंगी? ये तो कोई पता नहीं, इसका क्या पता लगता है। अच्छा, अगर अखिलेश के साथ लड़ती हैं, गठबंधन में लड़ती हैं, तो आप तब वोट देंगे? अकेले लड़ेंगी तब भी वोट देंगे? नहीं, वो गठबंधन से लड़ेगी तो भी वोट देंगे और अकेले लड़ेंगी तो भी वोट, मतलब हर हाल में उनके साथ हैं? उनके साथ। ठीक है, कुछ युवा भी हैं भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल साथ हैं जी, मायावती के साथ है। तो किस तरीके से आप देखते हैं इसको, सारी चीजों को? देखो जी, गांव में बहुत उद्धार करे उन्होंने, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए अच्छे, जो लड़की पहले बाहर जा कर रही है अब अपने गांव में ही पढ़ रही है बेचारी, बहुत सुविधा है देखा जाए तो। अखिलेश के साथ भी इस बार सोच रहे कि क्या पता गठबंधन चली जाए? बिल्कुल देंगे जी वोट, तब भी देंगे। हाँ जी, बिल्कुल। मायावती जी, बहन जी हमारी बहुत ही ज्यादा मजबूत है, वो बोल नहीं रही है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी और बहन जी हमें, मुझे लगता है कि साथ ही है दोनों। अच्छा, हाँ। अच्छा, ऐसा लगता है? मुझे लगता है। अब मतलब बीजेपी और सॉरी बसपा और आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सपा की, आप तो बीजेपी की बात करने लगे। हाँ, बीजेपी और मायावती, मुझे लगता है। भाई साहब सुनो, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आप, क्या आपने किस सोच के कहा? भाई कुछ सोच का, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल ही दोनों एक साथ ही है। आपको बता दें कि मायावती के इस गांव में भी लोग बड़े उत्साह से 15 जनवरी को जन्मदिन मनाते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां के लिए विकास भी किया है। विकास तो सब हुआ है, कॉलेज बनवाए हैं और गरीबों को पट्टे भी मिले हैं। ये पीछे जो कॉलेज है, ये देखिए, ये कॉलेज है मायावती राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बादलपुर गौतम बुद्ध नगर, तो ये अपने समय बनवाया था उन्होंने? हाँ जी, अपने। तो कितने समय में बन के तैयार हो गया था ये? समय तो लगा है, एक दो साल तो लगा। इसके अलावा क्या क्या उन्होंने गांव में विकास कार्य किए थे? पार्क बनवाए घूमने के लिए लोगों को और गरीबों को पट्टे भी दिलवाए। वही बात करें बादलपुर की तो हमारे संवाददाता बताते हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ मायावती के पैतृक गांव ग्रेटर नोएडा में, जो बादलपुर है उनका पैतृक गांव है, और मैं आज आपको बड़े विस्तार से समझाऊंगा कि ये पार्क किस तरीके से बनाया गया। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये उस साइड जो ये बिल्डिंग है सारी, उस पेड़ के साइड ये पूरा गांव है जिसको, जो बादलपुर गाँव है मायावती का, और ये जो गाँव हम जहाँ खड़े हैं ये गौतम बुद्ध पार्क कहा जाता है इसको, और ये नोएडा और लखनऊ जो दलित प्रेरणा स्थल है उनकी तर्ज पर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध की आप देख सकते हैं मूर्ति भी लगाई गई है। ये लगभग 60 से 65 बीघे में बना हुआ है, और जब मायावती जब सरकार थी तभी इसका विस्तार कराया गया था, तभी इसको बनाया गया था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि शुक्रवार दिनांक 14 अक्टूबर 2011 को इसका जो पूरा जो ये स्ट्रक्चर बनके संपन्न हुआ था, तब ये बनाया गया था, और ये बिल्कुल उनके गांव के बीचों बीच बना है बादलपुर में। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि कोठी की तरफ, जहाँ पे अब मायावती जब आती हैं, कभी भी आती हैं, हालांकि अब काफी साल हो गए हैं, तो यहाँ जो गुम्मद दिखा रहे हैं, मैं आपके कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ी आगे चल के दिखा दे कि जो गुम्मद है ये पूरी कोठी है उनकी, ये अपनी निजी कोठी है जिसमें मायावती नहीं रहती, केयर टेकर बताया जाए, केयर टेकर जो है वो रहते हैं, इसमें 5 से 6 केयर टेकर रहते हैं। इसमें ये कम से कम 46 बीघे में बनी हुई है कोठी। और अब दूसरी तरफ ही दिखा दूं, जहां पे कोठी खत्म होती दीवार है, इसके दूसरी तरफ जो है अंबेडकर पार्क है, जो कि लगभग 85 से 90 बीघे में बना हुआ है। दोनों पार्क का जो निर्माण था मायावती ने अपनी सरकार के दौरान किया था, और अपनी कोठी भी तभी रेनोवेट की थी, तब पुराना घर था, उसके बाद इन्होंने रेनोवेट कर ली थी। ये दोनों ही पार्क अपने गांव के कोने पर बनाए गए हैं, इनके गांव की 2 से 3 एंट्री है, बड़ी बड़ी 3 एंट्री है, और ये पूरा पार्क घूम के पूरे गांव को कवर कर लेता है। तो मैंने आपको जो समझाया है ये पूरा मायावती ने अपने समय पर, जब सरकार थी तब इन पार्कों को बनवाया था और अपनी कोठी को भी बनाया था। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, यूपी तक।